सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ गेम वॉट। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे इसे प्रॉमिस किया था कि आपसे जो है मैं बिना हैक के बिना मोड वाले गेम के मैं गेम प्ले सीरीज़ लाने वाला हूं। सो गाइस, ये जो कार फॉर ट्रेड में मेरा डे वन है और गाइस मैं अपने ऑफिस का नाम रखने वाला हूं गेम वॉट इन कार शोरूम। सो चलिए गाइस, अपन चलते हैं और अपन बाय करने वाले हैं अपना फर्स्ट कार। सो अपन चलते हैं सबसे पहले रेजिडेंशियल एरिया में, क्योंकि गाइस अभी जो अपना कार मार्केट ओपन नहीं हुआ है डे वन में। सो अपन रेसिडेंशियल एरिया में जाके एक अच्छा सा कार बाई करते हैं। सो यहाँ पे मुझे वो कार काफ़ी बढ़िया लग रहा था, लेकिन गाइज मैं भूल गया था कि मैं बिना हैक का गेम प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास पैसे भी बहुत ही कम है, $7,500 हैं। सो गाइज, इसको मैं बाई तो करना चाह रहा था इस कार को, लेकिन गाइज ये सामने वाला मतलब नेगोशिएट नहीं कर रहा था। सो गाइज मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया और गाइज मैं आगे बढ़ के इस कार के पास आ चुका हूँ। और गाइज ये कार मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मेसा माइक्रो नाम है इसका। अब गाइस गेम में क्या नाम है और असली में क्या नाम है मुझे नहीं पता, आप देख लेना। बाकी इसको मैंने बाय कर लिया और गाइस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो बार्गेनिंग भी नहीं कर रहा था, इसलिए गाइस मैंने इसको बाय कर लिया। अब गाइस चलते हैं इसको लेके रिपेयर वाले सेंटर में, वहाँ पे रिपेयर कराएंगे, फिर गाइस वहाँ पे अपन ट्यूनिंग भी करेंगे, इसका टायर भी चेंज करेंगे, मतलब वही हो गया ट्यूनिंग, कलर वगैरह भी करने वाले। और गाइस मुझे पता चला है कि इसमें जो है एक ग्लिच चल रहा है गेम में। जी हाँ गाइस, आप बिना पेमेंट करे ही आप जो है मतलब बैक करोगे सो आपका हो जाता है। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे होता है, मुझे एक ने कमेंट करके बताया था। और गाइस मुझे पहले से पता भी था, लेकिन गाइस मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा था मोड वाले में, इसलिए मैं पेमेंट करके ही आ जाता था। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बिना पेमेंट करे, आप देख सकते हो मैंने इसको ट्यूनिंग कर लिया है। सो गाइज मेरा इसका तो खर्चा बच चुका है और मुझे अभी जो बहुत ज़्यादा पैसा बचाना है और कलेक्ट भी करना ताकि मैं अपने शोरूम को अपग्रेड कर पाऊँ। सो गाइज इस एपिसोड में तो मैं सिर्फ अपने एक कार को बाइक करा हूँ और इसको मैं सेल करने वाला हूँ। और गाइज जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाले ना काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि गाइज मैं बिना हैक करे प्ले करूँगा, फेयर प्ले करने वाला हूँ। सो गाइज काफ़ी अच्छा लगेगा और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपन जो है मतलब ड्रैग रेस से कितना अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न करेंगे। सो यहां पे एक कस्टमर आ चुका है, सो गाइस देखते हैं कि ये कितने में बाय कर सकती है। सो गाइस यहां पे मैं डायलॉग में क्लिक करूंगा और देखते हैं ये कितना बोलती है। और गाइस ये तो भिकमंगी है, मतलब इसके पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने जितने में बाय करा है उससे भी कम बोल रही थी। सो गाइस मैंने इसको रिफ्यूज कर दिया। और गाइस यहां पे एक और बंदा आया है, सो गाइस इसको मैंने थोड़ा कम करके बोला, सो गाइस ये भी नहीं माना, सो इसको भी अपन ने भगा दिए हैं। और गाइस देखते कि कोई और कस्टमर आते हैं कि नहीं, नहीं तो फिर गाइस मैं इसको जो है मतलब क्या ही कर सकता हूँ, इसको मुझे कम में ही बेचना पड़ जाएगा जिससे मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। सो देखते हैं कि मैं प्रॉफिट कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि गाइस मैं तो लुट चुका हूँ, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में मैंने ज़्यादा प्राइस में इसको बाई कर लिया था। सो गाइस फाइनली यहाँ पे एक कस्टमर आई है जो कि मतलब ठीक है, कम में बिक गया है, फिर भी ठीक है, मतलब सेल तो हो गया है। बाकी गाइस इस एपिसोड में इतना ही, और गाइस मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में करने वाला हूँ ड्रैग रेस, वो भी गाइस इस टुक टुक के लेके। जी हाँ गाइस, इस टुक टुक से अपन करने वाले ड्रैग रेस और देखते हैं कि अपने ओपोनेंट में कौन आता है। और गाइस देखने वाले हैं कि क्या ये टुक टुक विन करेगा ड्रैग रेस। और गाइस बहुत ही ज़्यादा मैं ड्रैग रेस में अमाउंट लगाने वाला हूँ, मतलब जितना भी है मेरे पास अभी $5,000 है। सो गाइस इसी को मैं लगा दूंगा। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए गाइस इसका मैं लाइक टारगेट रखता हूँ 50 likes का। गाइस इस वीडियो में 50 लाइक कर देना। सो गाइस मैं जो है नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्द ला दूंगा। सो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।